नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) का जो उद्देश्य था कि ऐसी महिलाएं जिनका ससुराल में पति और पति के घर वालों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा है। और वो भी इस वजह से क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस धारा का इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रही हैं, बेवजह में इस्तेमाल कर रही हैं, इतनी धूर्तता दिखा रही हैं कि हमारे समाज के लिए यह जो धारा है वो एक अभिशाप सी बन गई है। और कोर्ट ने भी इस धारा को लीगल टेररिज्म का नाम दे दिया है। तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस धारा का इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि यह धारा समाज के लिए एक हानिकारक जहर के जैसा बन गया है और एक ऐसी चीज बन गई है जो समाज में जो लोगों को काफी भयभीत करके रख रही है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) से संबंधित एक ऐसी धूर्त महिला, मक्कार महिला और गलत महिला के द्वारा किए गए पति और पति के घर वालों के ऊपर केस था जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसे जान के आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से महिलाएं इस धारा का गलत उपयोग कर रही हैं। लेकिन लास्ट में आप ये भी जानेंगे कि जो पति है वो भी कितना हिम्मत वाला था और किस प्रकार से धूर्त महिला के गलत केस में अपना बचाव किया, क्या किया, कैसे किया, कैसे खुद को बचाया और साबित किया कि वो सही है और महिला गलत है। सारी चीजें आपको हम डिटेल में आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी के साथ साथ आपका हिम्मत भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप देखती हैं कि हमारे समाज में लोगों के साथ जैसे मैं परेशान हूं वैसे लोग भी परेशान हैं और वो लोग लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आपके अंदर भी हिम्मत आती है। तो वीडियो जो है, जो आज जजमेंट है, वो आपको जानकारी के साथ साथ हिम्मत भी देगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498(a), 125 सीआरपीसी, डीवीएक्स, XNI, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों को कैसे लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे चीजें चलती हैं, कैसे क्रॉस केस करना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए इसको बाय करना पड़ेगा। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जैसे 498(a) हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, पति को अन्य कोई फायदा मिला हो, तो पति के फेवर में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट आती हैं जिनका अपने भी केस में आप यूज करके फायदा ले सकती हैं, तो इन जजमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहती हैं, उसका यूज करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो वन टाइम पे आपको करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने जजमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, जिसे जान के आपको हौसले के साथ साथ एक जानकारी भी मिलेगी और आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार की महिलाएं हैं जो धारा 498(a) को बदनाम कर रही हैं, कैसी कैसी मक्कार महिलाएं हमारे समाज में हैं, सारी चीजों को आपको समझने को मिल जाएगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, वो जो जजमेंट है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, 498(a) के झूठे मामले को क्वेश कराने से संबंधित है। और ये जो जजमेंट है वो राजहंस वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) और अन्य धाराओं में केस कर देती है, जिसमें पत्नी ये लगाती है आरोप कि जो उसका पति है उसने उसके शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की से शादी कर लिया और उसी लड़की के चक्कर में वो पत्नी के साथ मार पिटाई करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था
और ऐसे में जो पत्नी होती है थाने में कंप्लेन करती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और द्विविवाह के लिए 494 और अन्य कुछ धाराओं में पुलिस FIR दर्ज कर देती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट भी लग जाता है। चार्जशीट लगने के बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं इस केस को क्वेश कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में 482 CRPC के तहत एक प्रार्थना पत्र लगाते हैं। पति और पति के घर वालों की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो यहाँ पत्नी आरोप लगा रही है सरासर गलत आरोप लगा रही है। पत्नी ने एक बार पहले भी 498A में FIR दर्ज कराया था, जो मुकदमा चला, पूरा मुकदमा चलने के बाद उसमें से पति को बरी कर दिया गया, यानी एक बार मुकदमा चल गया और दोबारा उसमें से बरी कर दिया गया, दोबारा पत्नी ने ये मामला दर्ज करा दिया है और दोबारा हमें फंसा दिया है, जबकि हम एक बार बरी हो चुके हैं, कोर्ट ने मान लिया है कि हमने कुछ गलती नहीं की है, हम बेगुनाह हैं। और ऐसे में पत्नी ने अब दोबारा यह मामला दर्ज कराया जिसमें यह दिखा रही है कि दूसरा शादी कर लिया गया है जो सरासर गलत है, हमें फंसाया गया है। ऐसे में कोर्ट ये देखता है और पाता है कि वास्तव में पत्नी ने एक बार पहले भी मामला दर्ज कराया था, उस मामले के बाद इसने दोबारा ये मामला दर्ज कराया, वो भी बरी होने के 4 साल के बाद। तो यहाँ यह जो मामला दर्ज हुआ है गलत दर्ज हुआ है और CRPC की धारा 300 जो है वो स्पष्ट कहती है कि एक मामले के लिए एक ही बार ट्रायल चलाया जाएगा, बरी या दोषी होने के बाद उस पर दोबारा ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। तो ऐसे में ये मामला गलत प्रतीत हो रहा है, 498A इस मामले में नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ 494 जो द्विविवाह के लिए लगा है वो भी यहां गलत लगा है, कोई आधार उसके लिए नहीं बन रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मौजूद है। तो ऐसे में जो भी बातें ये लगाई गई हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं गलत आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में केस को रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार से जो धूर्त पत्नी थी, जो मक्कार पत्नी थी, उसने एक बार पति के बरी होने के बाद उसे चैन नहीं मिला और दोबारा फंसा दिया, लेकिन पति ने अपनी सूझबूझ दिखाई, हिम्मत नहीं हारा और हाईकोर्ट से जाके उस मामले को रद्द कराया। तो इस जजमेंट के जरिए आपको जानकारी के साथ साथ आशा कर रहा हूं एक हौसला मिला होगा। आप भी जाने होंगे कि किस प्रकार की महिलाएं हैं समाज में जो पतियों को कितना परेशान करना चाह रही हैं, लेकिन जो पति हैं अगर हिम्मत नहीं हारती हैं तो एक ना एक दिन वो जरूर जीत रहे हैं और उन्हें झूठे मुकदमों से आजादी जरूर मिल जा रही है। तो यदि आप भी झूठे मुकदमों से परेशान हो चुके हैं तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पे इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे जजमेंट आते हैं जो जान के आपके भी हौसले बढ़ेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट जजमेंट और अपडेटेड जो जजमेंट होते हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, उनके बारे में हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।